नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज संजीवनी में हम एक ऐसी बीमारी को लेकर बात करने वाले हैं जिसमें रोगी अपना दिमागी संतुलन खो देता है, शरीर कांपने लगता है और हाथ पैर अकड़ने लगते हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, ये कोई मामूली बीमारी नहीं बल्कि बात हो रही है मिर्गी की। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज डॉक्टर चौहान मिर्गी को लेकर कुछ ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो कहीं मत जाइएगा, रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया भर में जाने माने और आयुर्वेद के पुरातन विद्या के जानकार डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। लाइलाज नहीं है मिर्गी, मिर्गी से आप डरिए नहीं बल्कि समय पर इलाज करिए। जानिए डॉक्टर चौहान से मिर्गी का दौरा पड़ने पर क्या करें और क्या ना करें। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। जब किसी को दौरा पड़ता है तो समझ में नहीं आता कि ये दौरा क्यों पड़ा, और जब बात आती है मिर्गी की तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या हर दौरा मिर्गी का ही होता है या फिर मिर्गी उसे मिर्गी कब कहते हैं, ये जरा विस्तार से बताइए। देखिए, बहुत अच्छा विषय है और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है। कई प्रकार के दौरे होते हैं और हर दौरा मिर्गी का दौरा नहीं होता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। पहले थोड़ा समझना ये जरूरी है कि दौरा या सीजर जिसको बोलते हैं, कई बार कन्वल्सन्स भी आते हैं, उनको भी थोड़ा कई बार दौरों से हम कन्फ्यूज़ कर लेते हैं। तो ये होता क्या है और क्यों होता है, हमें इसको थोड़ा जानना जरूरी है। विषय बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोग मिर्गी से पीड़ित हैं, बहुत सारे लोगों को और दूसरे प्रकार के दौरे पड़ते रहते हैं और उनका क्या है कि वो गोली खाते रहते हैं, सालों तक उनकी गोली चलती रहती है, आगे चल के उनका ब्रेन भी थोड़ा डल हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी आते हैं। आयुर्वेद में इन रोगों का वर्णन किया गया है, ऐसा नहीं कि कोई आयुर्वेद के लिए नया रोग है। हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में हमारी नर्व्स हैं, काफ़ी सारे नर्व सेल्स हमारी मस्तिष्क के अंदर होती हैं, उनके अंदर केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के कारण जो है वहाँ कई प्रकार के इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ जिनको करंट कह सकते हैं, करंट चल रहा होता है उसमें, जिसके माध्यम से जो है हम अपने पूरे शरीर के फंक्शंस को कनेक्ट करते हैं। तो जब कभी इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कोई गड़बड़ आ जाती है, वहाँ कोई करंट कट जाता है कहीं पर, तो एक झटका वहाँ लगता है एक तरह से, जैसे कभी आपका इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो एक झटका लगता है। तो वो जो झटका लगता है उसको दौरा कहते हैं। वो कितना स्ट्रॉन्ग जो है वो कट होता है करंट वहाँ पर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हल्का दौरा है, मामूली सा झटका है या बहुत तेज़ का झटका है। मिर्गी का जो दौरा होता है उसके विशेष लक्षण होते हैं, उनको भी हम जरा विस्तार से आपको समझाएंगे। और मुख्य रूप से जो है आयुर्वेद में अपस्मार के नाम से ये रोग वर्णित है, जिसको कि हम मिर्गी कहते हैं आम भाषा में। बिल्कुल, तो हर दौरा मिर्गी का नहीं होता, लेकिन दौरा है क्या? क्या बेहोश हो जाना दौरा है या फिर जोर जोर से हाथ पांव फेंकना, कंट्रोल में ना होना, आखिर ये दौरा है क्या? डॉक्टर साहब से समझते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, जैसा मैंने कहा कि जब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारी नर्व्स में चल रही है उसमें किसी प्रकार की बाधा आ जाए, रुकावट आ जाए, तो फिर एक वहाँ पर आपका जो है बॉडी के अंदर कुछ विशेष प्रकार के, कई लोगों को झटका लगता है, कई लोगों को बेहोशी आ जाती है, कई लोगों को जो है जीभ कट जाती है, कई लोगों को बहुत देर तक भी दौरा आता है। अक्सर कुछ लोगों को जैसे 30 सेकंड का झटका लगा, किसी को 3 मिनट तक वो आ सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार की इंटेंसिटी होती है इसकी, लेकिन रूट को अगर समझें, उसकी जड़ को समझें, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मस्तिष्क है उसी के अंदर प्रॉब्लम आती है। और ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इसका टेस्ट भी आप करा सकते हैं। डॉक्टर के पास कई बार हम जाते हैं तो एक EEG करके एक टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से वो देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हमारे ब्रेन के अंदर वो ठीक ठाक चल रही है या ठीक ठाक नहीं चल रही। कई बार टेस्ट में भी नहीं आता है लोगों को, कई बार टेस्ट नॉर्मल आता है फिर भी उनको दौरे पड़ रहे होते हैं। तो ये जहाँ पर ये जो ऐसा जो केस होता है, वहाँ थोड़ा सा हम अगर डीपली सोचें तो ये समझ में आता है कि केवल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तक सीमित नहीं है, इसके अंडरलाइंग कोई शक्ति है। और वहाँ आयुर्वेद का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि वात जब हमारी प्रकोपित होती है तो उसके कारण जो है ये दौरे पड़ते हैं, या और ब्रेन में हमारे किसी प्रकार के कई बार जो एक तरह से हम कहें कि जो सर्कुलेशन चल रहा है वहाँ पर, करंट जो चल रहा है उसमें जो रुकावट आती है वात के कारण आती है। तो देखिए कितनी हैरानी की बात है कि दौरे क्यों पड़ रहे हैं। कई बार ये टेस्ट में और जो भी चीज़ें डॉक्टर्स मशीनों के द्वारा टेस्ट करते हैं उनमें भी कई बार ये चीज़ साफ नहीं हो पाती है, तो वहाँ से शुरुआत होती है फिर आयुर्वेद की, वहाँ का रुख आप कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हर दौरा मिर्गी का नहीं होता, तो ऐसे में मिर्गी की पहचान बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को दौरा पड़ रहा है डॉक्टर साहब, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि सामान्य प्रक्रिया में
ब्रेन पर क्या फर्क पड़ता है अगर मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो, जब एक व्यक्ति नॉर्मल स्टेज में हो और उसे दौरा पड़े? देखिए, ब्रेन को काफी इसमें जो है जैसे झटका लगता है, तो ब्रेन में काफी एक तरह का एक मैं कहूँ कि डैमेज तो होता ही है। और लक्षणों की अगर हम बात करें तो उस समय देखें तो सारे लक्षण जो है बॉडी में अकड़ाहट होती है, मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, कई बार उसकी पलकें बहुत जल्दी जल्दी झपक रहा होता है पेशेंट जो है, और जीभ कट जाती है, मुंह से लार आती है, सांस लेने में कई बार उनको तकलीफ होती है। तो ये सारा जितने भी फंक्शंस ये आप जो देखते हैं दौरे में, ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन से इनका सारा कंट्रोल होता है। वो कंट्रोल जब कट जाता है वहाँ से, एक तरह से करंट जब कट गया वहाँ से, तो ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। और आमतौर पर दौरे के बाद जो है पेशेंट कंप्लेन करता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा थकान उसको महसूस होती है। कई बार तो जो जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग दौरा आता है, इंटेंसिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो कहते हैं कई बार तो पूरा 4-6 घंटे या पूरा दिन जो है फिर उठा नहीं जाता उनसे, इतनी कमजोरी वो शरीर में महसूस करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का जो एक एक हिस्सा है उसका जो डिज़ाइन है, उनके जो कोऑर्डिनेशन है, उनका जो काम करने का तालमेल है, वो बहुत एक अच्छा डिज़ाइन है, बहुत एक यूनिक डिज़ाइन है, अच्छा डिज़ाइन है। उसमें कहीं भी कोई रुकावट आती है, कोई बाधा आती है, तो पूरा सिस्टम पर उसका असर पड़ता है। आयुर्वेद की ये फिलॉसफी बहुत आज महत्व रखती है आज के युग में। आज मॉडर्न साइंस भी इसको मानने लगी है कि एक हिस्से को नहीं देखना है, हमें पूरे शरीर को एज ए यूनिट देखना है, और उसमें जो छोटे छोटे हमारे ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनको एक एक यूनिट करके एक दूसरे से कैसे उनका संपर्क है, एक दूसरे से क्या उनका एक तालमेल है, वो सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि कभी कभार आपकी पेट की खराबी होती है और उसके कारण आपके सिर में दर्द हो जाता है, तो केवल हम अगर वहाँ सिर पर ही देखेंगे, सिर को ही हम ठीक करेंगे, पेट को ठीक नहीं करेंगे, तो फिर हमारा रोग ठीक नहीं होगा। और यही आयुर्वेद की एक विशेषता है कि आयुर्वेद में हम जब भी किसी रोगी की चिकित्सा करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी जड़ कहाँ पर है। बहुत सारे रोगों की जड़ तो आजकल माइंड में है लोगों की। और चलिए बात कर लेते हैं बच्चों में जो दौरे के इफेक्ट्स देखे जाते हैं, बच्चों को जो दौरे पड़ते हैं, बच्चों की बात करें तो बच्चों में दौरे डॉक्टर साहब ज्यादा पड़ते हैं, वहीं कुछ दौरे ऐसे भी होते हैं जो उम्र बढ़ने के साथ साथ खत्म भी हो जाते हैं, तो बच्चों के और बड़ों के दौरे में क्या फर्क होता है? देखिए, सबसे पहले तो जो बच्चे हैं उनमें दौरे, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कम होती है, शरीर की शक्ति कम होती है, तो डेफिनेटली ज़्यादा उनके अंदर प्रभाव होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो दौरे ख़त्म हो जाएंगे। केवल वो ही जो माइल्ड वाले जो दौरे हैं, जो इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं, कमजोरी के कारण आते हैं, वीकनेस के कारण आते हैं, चाहे वो वीकनेस हमारे ब्रेन की है या कहीं और किसी सिस्टम की वीकनेस है, उसके कारण जो आने वाले हैं, तो जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन जो रोग है, जैसे मिर्गी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ आपको प्रॉपर इलाज करना पड़ेगा। और बच्चों में ये भी ध्यान रखिए आप कि बच्चों में दौरे जो है कई अन्य कारणों से भी पड़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई ब्रेन की उनकी खराबी हो। कई बार बच्चों में तेज़ बुखार जब आ जाता है तो वहाँ थोड़ा उनको कन्वल्सन्स या कुछ ऐसे सीजर्स आ जाते हैं। कभी कभार बच्चों के ब्रेन में कोई इन्फेक्शन चला जाए तो भी जो है उनको दौरे पड़ सकते हैं। और आम तौर पर जो है बच्चे, छोटे बच्चे कई बार गिर जाते हैं, सिर में कहीं चोट लगी आपने देखा भी नहीं, तो सिर में चोट लगने के कारण भी उनको ये सीजर्स आ सकते हैं। तो आपको बड़ा ध्यान से जो है समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि सीधा गए डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा कि दौरे पड़ रहे हैं, उसने गोली लिख दी, खाना शुरू कर दिया। थोड़ा सा जो है इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, आजकल इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे तरीके हैं, और सही रोग निदान यानी कि सही डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास बहुत सारे केसेज आते हैं ऐसे, हजारों की संख्या में मैं देखूं तो, अगर डेटा उठाऊं अपना, जिनका डायग्नोसिस ही गलत हो गया। डायग्नोसिस गलत हो गया, दवाई खाते रहे, कितने सारे लोगों को तो टीबी की दवाई वो पूरा एक साल खा लेते हैं जबकि टीबी उनको कभी थी नहीं। बिल्कुल, और हम सब बात कर रहे थे मिर्गी के दौरे की। डॉक्टर साहब, हमारा खान पान या फिर हमारा लाइफ स्टाइल इरेगुलरिटीज मिर्गी के दौरे के लिए किस तरह से जिम्मेदार है? देखिए, बहुत बड़ा इसका जो है कनेक्शन है, क्योंकि मैंने जैसा शुरू में बताया आपको कि हमारे जो मस्तिष्क के अंदर केमिकल्स होते हैं कई तरह के, तो वो केमिकल्स में जब कोई गड़बड़ होगी, इम्बेलेंस होगी, तो वो हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खराब होगी, उसके कारण दौरा पड़ेगा। इसी तरह से जो है हमारे भोजन में अगर आप देखते हैं आजकल, अगर जंक फूड हम खा रहे हैं, बहुत सारा खाना ऐसा खा रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, आजकल देखो तो बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर्स और एडिटिव्स उसमें कुछ मिला देते हैं लोग। आजकल तो प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा हो गई है
कि जो ओरिजिनल जो उसका वर्जन था मक्का का, उसको पता नहीं क्या उसको फ्लेक्स बना दिए, फिर उसमें आयरन डाल दिया, उसमें कुछ विटामिन भी डाल दिए, तो वो सिस्टम हमारा कन्फ्यूज़ होता है पहली बात तो ये। दूसरा, जितना भी केमिकल अंदर जाएगा आपके, तो कहीं ना कहीं बॉडी में एब्जॉर्व होकर आपके ब्रेन तक भी पहुँचेगा, और ब्रेन में जो वहाँ ऑलरेडी हमारा जो केमिकल्स हैं उनको इम्बेलेंस करेगा। तो एक बहुत बड़ा रोल है, आयुर्वेद में तो लिखा है बड़ा क्लियरली कि वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ आवर डिजीजेज इज इम्प्रॉपर फूड एंड इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। आज तो दुनिया भी मान रही है इसको, हमारे ऋषि मुनियों ने तो 5000 साल पहले लिखा, आज पूरे वर्ल्ड में इस पर चर्चा चल रही है कि लाइफस्टाइल इज़ द नंबर वन कॉज ऑफ डिजीज। जितने भी बीमारियाँ उसका नाम ही उन्होंने रख दिया है लाइफस्टाइल डिजीजेस। बिल्कुल, तो रूट कॉज समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से नहीं समझेंगे तब तक आप उसको जड़ से खत्म भी नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, मिर्गी के दौरे की हम सभी बात कर रहे थे, अमूमन लोगों को पता ही नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि भाई फला आदमी को मिर्गी का दौरा पड़ गया है, मान लीजिए अगर ऐसा किसी को हो जाता है तो फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के तौर पर क्या किया जा सकता है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि बहुत बारी लोगों को मालूम कुछ होता नहीं है, 10 लोग आ जाते हैं उसको घेर के खड़े हो जाएंगे। पहली बात तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई भी जो दौरा होता है वो अमूमन कोई ऐसा नहीं है कि बहुत खतरनाक होता है, पहले भी दौरे पड़ते रहते हैं उनको। पहली चीज़ है कि पेशेंट को आपको प्रोटेक्ट करना है उसको, क्योंकि नॉर्मली दौरे जो है वो कुछ समय के बाद, वो दौरा आया फिर दौरा चला जाएगा, पेशेंट वापस अपने होश में आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके मुंह में कुछ डालें या उसको पानी के छींटे मारें या उसको जो है थोड़ा हिलाएं, ये नहीं करना है। सिंपल तरीका यही है कि आप जो है उसको देख सबसे पहले प्रोटेक्ट करें, कहीं वो कैसे ऐसे आसपास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स कोई ना हो कि जो लगें, चोट ना लगे उसको, थोड़ा उसको खुली हवा आए, थोड़ा सांस आए, क्योंकि अगर दम घुटता है पेशेंट का वो हो। और जब आपको जो है जब वो पेशेंट होश में आता है तो उसको प्रॉपर जो है उसका थोड़ा देख रेख की जाए, ये यही कर सकते हैं। इसमें और कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आप, कई लोग अलग अलग तरीके के नुस्खे आपको बताएंगे, पर मेरा आपको यही सुझाव है कि आप प्रॉपर चिकित्सा करें रोग की, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से बातचीत करें, क्योंकि हर व्यक्ति का जो रोग है वो अलग प्रकार का है, उसका दौरा जो है उसकी इंटेंसिटी अलग प्रकार की है, उसके हिसाब से जो है डॉक्टर्स आपको फर्स्ट एड भी बताएंगे, आपको होम रेमेडीज़ भी बताएंगे, आपको दवाई भी देंगे, आपको डाइट भी देंगे, सारी चीज़ आयुर्वेद में पर्सनलाइज्ड होती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे अहम बात जो डॉक्टर साहब ने कही वो ये कि अपना डॉक्टर आप खुद ना बने, जो भी चीज़ें बीमारी हैं उसके लिए डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे डॉक्टर आपके आसपास ही बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब, मिर्गी का आयुर्वेद में अगर इलाज है तो संजीवनी के दर्शकों को इसके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बताइए। देखिए, इलाज के बारे में जैसा मैंने कहा कि आपको बिल्कुल आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, उसके बाद जो है इलाज का तरीका जो मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि वात रोग ये है, वात प्रधान रोग है, तो वात रोग में स्नेहन हम काफ़ी कराते हैं। स्नेहन का मतलब ऑयलिंग से होता है, तो चाहे वो नाक में हम दवाई डालें, तेल डालें, सिर में मालिश करें आपके, या पूरी बॉडी में जो मालिश की जाती है वात को शांत करने के लिए, थोड़ा जो है स्वेदन भी किया जाता है, क्योंकि वात कूलिंग होती है तो थोड़ा गर्माइश भी पेशेंट को चाहिए होती है। मेद्य रसायन इसमें बहुत अच्छे होते हैं, जितने भी हमारे जो ब्राह्मी, शंखपुष्पी, वचा, जटामांसी, अश्वगंधा, इस तरह के जो सारे हमारे मेद्य रसायन हैं, जो ब्रेन टॉनिक्स जिनको हम कहते हैं, उनको जो है दिया जाता है। और काफ़ी सारी औषधियाँ हैं, क्लासिकल मेडिसिन हैं, जो कि विशेष रूप से इस रोग के अधिकार में हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, वो डॉक्टर हमें देते हैं। आमतौर पर सफ़ेद पेठे का रस कई बार बताया जाता है, उसको पीना चाहिए। ब्राह्मी एक बड़ी सिंपल सी एक जड़ी बूटी है, वो मिल जाती है, उसकी टेबलेट भी मिल जाती है। लेकिन अगेन, ये जो है ये इलाज नहीं है, ये आपको मैं कुछ जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। आपको इलाज डॉक्टर बताएंगे, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट बना के देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आपको कोई भी इस तरह का रोग है, मिर्गी है या कोई और अन्य तरह का दौरा आपको पड़ता है, तो सेहत का नंबर आपके पास है, फ़ोन घुमाइए, अपना नंबर लिखवा दीजिए, हमारे डॉक्टर्स आपसे बातचीत करेंगे, आपका जो भी उचित से उचित जो है उपचार होगा वो आपको समझाएंगे। और अगर जीवा की क्लिनिक आपके शहर में है तो आप पर्सनली जाकर के वहाँ मिल लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भागदौड़ और तनाव वाले जीवन में लोगों की याददाश्त शक्ति घट रही है, लेकिन सवाल ये है
कि कैसे इसे बढ़ाया जाए। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 01294040404 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं 6 टिप्स, वो 6 टिप्स जिनसे आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, अगेन आपका जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी चलती है, तो ड्राइनेस बहुत जल्दी हो जाती है। हमारे ब्रेन के हिस्से जो है सूख जाते हैं, अगेन न्यूरोट्रांसमिशन की प्रॉब्लम होती है, रिकनेक्ट नहीं कर पाते हम, कैसे अपने जो डेटाबेस है हमारा उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाते। तो तेल की मालिश बहुत अच्छी है, सिर में जो है तेल की मालिश नियमित रूप से करें। तेल ब्रेन तक पहुँचाने का एक और रास्ता है नाक, जिसको हम आयुर्वेद में नस्य चिकित्सा बोलते हैं। तो बादाम का तेल आप नाक में डालें और सिर के ऊपर शिरोधारा हमारे यहाँ की जाती है। आप आएँ कभी हमारे यहाँ जीवाग्राम में, हमने बहुत बढ़िया आपके लिए एक सेंटर बनाया जीवाग्राम, जिसको हम कहते हैं सेंटर फॉर वेलबींग। वेलबींग के लिए अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आइए, तो शिरोधारा इसमें बहुत अच्छा काम करती है। बादाम अच्छा रोल प्ले करते हैं, कुछ बादाम रात को पानी में भिगोएं, सुबह उनको घोट करके दूध में मिला के पिएं। और इसके अलावा ब्राह्मी, जो एक आपको बार बार हम कहते हैं ब्राह्मी का भी बहुत अच्छा रोल है इसमें। ब्राह्मी टैबलेट्स आप ले सकते हैं, जीवा में बनी बनाई मिलती है। एक मेमोरी के लिए हमने स्पेशल जो है मेमोरी का टैबलेट भी बनाई है, एक मेमोरी का टैबलेट है हमारी और एक मेमोरी का सिरप है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ब्रेन के, मस्तिष्क के ऊपर जो कहीं हमारे ब्रेन में कुछ वीकनेस आती है तो उसको नरिश करने का काम करती है, तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड अल्टीमेटली ये चीज़ मैं आपको बार बार कहता रहूँगा कि मेमोरी लॉस का रूट कॉज क्या है उसको जानने की ज़रूरत है। नींद नहीं आती है, टेंशन है, स्ट्रेस है, ओल्ड एज है, क्या कारण है, कुछ केमिकल आपने कुछ सेवन कर लिया है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो उस रूट कॉज को भी हमें एड्रेस करके उसका भी इलाज करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको टेम्परेरीली फ़र्क डालेंगी, लेकिन आपको जड़ तक पहुंचकर उसका इलाज करना पड़ेगा। और जड़ तक पहुंचने के लिए आपको हमारी सहायता चाहिएगी, इसलिए जीवा से जरूर आप संपर्क करें और अपने रोगों को बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से उनका उपचार करें। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो पॉइंट्स, जो फैक्टर्स, जो उपाय डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, जो भी रोचक जानकारियां डॉक्टर साहब ने आप तक पहुंचाई हैं, वो आप अपनी ज़िंदगी में उनको शामिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत अच्छे से चेंज करेंगे और हेल्दी होने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 01294040404 पर कॉल कर आप अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jeeva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jeeva-ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।